दोस्तों, इजिप्शियंस पिरामिड में यूज होने वाली मूर्तियों और पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने का बड़ा ही गजब का तरीका अपनाते थे। एक टूम में पाई गई ये वॉल पेंटिंग 4,500 साल पहले की उस टेक्निक को साफ साफ उजागर कर देती है। इस पेंटिंग में कोलोजल के 22 फीट ऊंचे स्टैचू को स्लाइड पर रखकर 172 मजदूरों द्वारा रस्सियों से बांधकर खींचते हुए दिखाया गया है। 58 टन के स्टैचू को कैसे 172 लोगों ने सूखी जमीन पर सरका सरका के पिरामिड साइट तक पहुंचा दिया, इसका रहस्य भी इसी पेंटिंग में छिपा है। उस समय पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। बिना पहिए की गाड़ी स्लेज के ऊपर आगे की तरफ एक वर्कर खड़ा दिख रहा है। ये वर्कर इस स्लेज के ठीक आगे मिट्टी पर पानी डालता रहता था, जिससे मिट्टी चिकनी हो जाती थी। इसका परिणाम ये निकलता था कि स्लेज और गीली मिट्टी के बीच फ्रिक्शन 50% तक कम हो जाता था, और कुछ ही मजदूर भारी से भारी पत्थर की चट्टान को भी कम समय में पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा देते थे। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि स्लेज के आगे पवित्र पानी गिराना उस समय की एक रीति रिवाज थी। आपको इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थैंक यू।